हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे चल रही है हरितालिका व्रत की तैयारी। तो यहाँ पे ये मीठी खुरमी बन रही है और ये बेसन का है, इसे भी हम चढ़ाते हैं। और गाइस बताइएगा कि आपको आपके इधर इसको क्या बोलते हैं, या बनाते हैं या फिर नहीं। ये तो सभी के घर में बनती ही है। ये आटे की होती है, इसमें मैदा यूज़ नहीं किया जाता और इसमें थोड़ा सा शक्कर, तो शुगर डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं डो जैसे। एक मिनट आपको दिखा देती हूँ मैं, इस तरीके से इसका डो होता है। और इसे इसे चौकी में बेल के और फिर ऐसे काट लेते हैं। तो और इसे इसके बाद में फ्राई कर लेंगे ऑयल में। तो ये कल हमको चढ़ाने में काम आएगा। और यहाँ पे मम्मी भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। और कल है 9 तारीख, कल हरितालिका तीज है। और एक हरियाली तीज आती है वो अलग, और ये हरितालिका तीज है, इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है। तो कल मम्मी और हमारा व्रत रहेगा, तो कल भी आपको दिखाएंगे कि कल की क्या तैयारी है। और तो गाइस यहाँ पे जो हमने बनाए थे ये मीठे वाले और जो नमकीन वाले बनाए थे, अभी ये मीठे वाले को फ्राई करने की प्रोसेस ऑन द वे है ऑलमोस्ट। और ये देखिए फ्राई हो चुके हैं, ये बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए अभी मम्मी इसे फ्राई कर रहे हैं, इसे आपको मीडियम फ्लेम में फ्राई करना होगा। ये देखिए खाने में बहुत ही यम्मी और टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। हेल्दी इन द सेंस इसमें कोई भी मैदा यूज़ नहीं किया गया है और इसमें जो भी शुगर यूज़ की गई है ना गाइस, ये जो अपना जो टेस्ट होता है उससे कम, मतलब कहना कि बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता है ये, तो ये उतना हार्मफुल नहीं करेगा और कभी कभी तो चलता है। और आपको मैं थोड़ा सा ये वाला भी दिखा दूँ, देख सॉरी गाइस, इधर से मैं आ गई ना, मम्मी इसके हंस रहे हैं। तो देखिए ये वाला भी इसे अब हम फ्राई करेंगे, और अभी यहाँ पे चल रहा है इसे फ्राई करने की प्रोसेस। चालू हो गया है फ्राई करने का। जो नमकीन वाले होते हैं उसे ये बेसन के रहते हैं और इसे हम पूजा में भी चढ़ाते हैं। तो देख लीजिए ये कितने डिलीशियस लग रहे हैं। और ये जो हमारा मीठा वाला है ये हो गया है और ये इतना बाकी है, तो इसे हमें कितना टाइम लगता होगा, 15 मिनट से 20 मिनट इसे फ्राई करने में लग जाता है। इसे देखिए कम आंच में फ्राई करना होगा, क्योंकि इसे क्या है ऊपर से जल तो जाएंगे लेकिन अंदर से कुक नहीं होंगे प्रॉपरली। तो इसे हम 15 से 20 मिनट से स्लो में फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए आ गए हैं हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी गाठिया बोल सकते हैं।